नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहां पे ड्रॉ किया एक 500 स्क्वायर फीट का 1 BHK हाउस प्लान। प्लान की साइज़ है 22 फीट बाय 23 फीट। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, फ्रंट ये हमारी 22 फीट है। इस कोने पे ये मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है। जैसे अंदर आते सामने यहां पे ड्राइंग कम लिविंग एरिया प्लान किया है। और इसकी जो लिविंग एरिया की साइज है वो 10 फीट चेंज बाय 11 फीट चेंज है। इसमें से ये 10 फीट चेंज इस डायरेक्शन में और 11 फीट चेंज ये इस डायरेक्शन में। उसके बाद ड्राइंग एरिया के राइट साइड में सीढ़ी का प्रोविजन है, ये स्टेयर्स, और यहाँ से ये अप रहेगा। सीढ़ी की साइज हमने रखी 5 फीट चेंज बाय 10 फीट चेंज। इसमें जो फ्लैट की चौड़ाई वो 2 फीट 9 इंच है, जो चढ़ाव है इसकी चौड़ाई 10 फीट चेंज। ये ऐसे सीढ़ी के राइट साइड में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ है, CTB, और साइज है 4 फीट बाय 7 फीट चेंज। 4 फीट इसकी ये विड्थ है। उसके लिए ये दरवाज़ा D2, सीढ़ी और यहाँ ड्राइंग एरिया के बीच में ये ओपनिंग है 3 फीट की। उसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए हमें स्पेस मिलता है, वॉश बेसिन, और यहाँ पे साइज है 1 फीट चेंज बाय 3 फीट चेंज, 1.5 फीट बाय 3.5 फीट की यहाँ पे साइज मिल रही है। उसके बाद इस कोने पे ये किचन कम डाइनिंग एरिया है, किचन एंड डाइनिंग स्पेस। उसमें ये है किचन ओटा। किचन और डाइनिंग जो स्पेस है इसकी साइज 10 फीट बाय 10 फीट है। तो इसमें से ये 10 फीट इस डायरेक्शन में और ये भी 10 फीट। और सबसे लास्ट में यहाँ पे ये बेडरूम यूनिट, सिंगल बेडरूम है। काफ़ी सिंपल सा प्लान है 1 BHK। बेडरूम की साइज है 10 फीट चेंज बाय 10 फीट। तो इसमें से 10 फीट चेंज इस डायरेक्शन में और 10 फीट जो है ये इस डायरेक्शन में। ब्रिकवर्क की मोटाई 6 इंच, ये बाहर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच मोटाई का है और ये अंदर वाला ब्रिकवर्क भी 6 इंच मोटाई का है। इसका टोटल एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया 22 × 23, तो वो बनेगा 506 स्क्वायर फीट। और एक इसका अप्रोक्सीमेट बजट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 5 से 7 लाख के बीच में आएगी। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप मटेरियल यूज कर सकते। बाकी विंडो ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे शो की है। मेन एंट्रेंस डोर 3 फीट चेंज बाय 7 फीट। बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट बाय 7 फीट। टॉयलेट बाथ का दरवाज़ा 2 फीट चेंज बाय 7 फीट, ये भी D1। और विंडो ओपनिंग W 5 फीट बाय 4 फीट और W1 जो है 4 फीट बाय 4 फीट। टॉयलेट बाथ के लिए जो वेंटिलेशन है वो 2 फीट बाय 3 फीट स्टैंडर्ड साइज का। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सी बढ़िया सी प्लानिंग है 1 BHK की। तो दोस्तों आपके प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से हाउस प्लानिंग चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ख़त्म करते वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।